हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुप्रिया और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूं एक नई रेसिपी के साथ, तो चलिए देखते हैं क्या है आज की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ ताजे गुलाब के पत्तों के साथ गुलाब का शरबत या रोज सिरप बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये मार्केट में मिलने वाला रू अफजा या पतंजलि वाला जो गुलाब का शरबत होता है उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि इसे हम घर पर बनाएंगे। इस शरबत में ना तो हम कोई प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे, ना ही केमिकल फूड कलर यूज करेंगे। गुलाब का शरबत गर्मियों में बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि गुलाब की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो ये हमारे शरीर को ठंडक देता है। इसके साथ साथ इस सिरप का यूज़ आप बहुत सारी रेसिपीज बनाने में कर सकते हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 24-25 ताजे देसी गुलाब लिए हैं। इसका शरबत बहुत अच्छा आता है, क्योंकि इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो इसकी पत्तियों को इस तरीके से हमें निकाल लेना है। पत्तियों को निकालने के बाद अच्छे तरीके से इसे साफ पानी से धो लीजिए। इसके साथ ही साथ मैंने लिया है 1.5 कप पानी और 1 कप चीनी। आप एक कटोरी भी सेट कर सकते हो, कुछ और सामग्री लगेगी जो मैं वीडियो में आगे शेयर करूंगी। तो अब हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, और उसमें हम डाल देंगे पानी। इसके साथ ही साथ जो गुलाब की पत्तियों को हमने धो करके रखा था वो भी इसमें हम डाल देंगे। और इसे अब हमें उबलने के लिए रखना है। जैसे जैसे ये उबलता जाएगा आप देखोगे कि गुलाब की पत्तियों का कलर चेंज होता जाएगा। ये अपना सारा कलर और फ्लेवर इस पानी में रिलीज कर देंगी। ये देखिए, इसमें बहुत सुंदर सा कलर आ रहा है। स्क्रीन में थोड़ा ज़्यादा ब्राइट कलर दिख रहा है, पर ये हल्का ही कलर आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि हमने ताजे देसी गुलाब यूज़ किए हैं। आप मार्केट वाला गुलाब भी ले सकते हो, पर उसे आप सूंघ करके लीजिएगा जिसमें अच्छी खुशबू आए। तो इसे मैंने 6-7 मिनट पकाया है। अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे ढक करके हम रख देंगे कम से कम 4-5 घंटे के लिए, जिससे गुलाब का जो फ्लेवर है वो पानी में अच्छे तरीके से आ जाए। 5 घंटे के बाद इसे अब हम छान लेंगे एक छन्नी की मदद से। इसे छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पत्तियों ने अपना सारा फ्लेवर इस पानी में रिलीज़ कर दिया है। तो इस पानी को हमें यूज़ करना है और ये जो पत्तियां हैं इन्हें अब हम हटा देंगे। तो अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें इस पानी को डाल देंगे। इसके साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी। गैस को मैंने ऑन कर दिया है, फ्लेम बिल्कुल लो है। लो फ्लेम पर इसे हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि चीनी घुल नहीं जाती है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो चीनी तले में जम जाएगी। तो लो फ्लेम पर इसे हम चलाते रहेंगे, जैसे ही चीनी घुल जाएगी फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। तो ये देखिए, इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप चुकंदर या बीटरूट का रस। ये इसमें बहुत अच्छा कलर देगा। हम कोई केमिकल फूड कलर इसमें नहीं ऐड कर रहे हैं, इसलिए हमने चुकंदर का रस यूज किया है। इसके साथ ही साथ इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। ये भी इसे और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाएगा। इसे हमें उबालते रहना है मीडियम फ्लेम पर ही, जब तक कि थोड़ा रिड्यूस नहीं हो जाता है और थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता है। अगर आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो इस स्टेज पर आप एक चुटकी सिट्रिक एसिड या नींबू के फूल का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल पक चुका है और हाथ में हम लेकर देखेंगे, गाढ़ी चिपचिपी चाशनी चाहिए, कोई तार नहीं बनना चाहिए। तो हमारा सिरप तैयार है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच नींबू का रस या 4-5 बूंद नींबू का रस। ये इसे क्रिस्टलाइज होने से बचाएगा, साथ ही साथ ये कुछ दिनों तक इसे प्रिजर्व भी करेगा। अगर आप सिट्रिक एसिड डाल रहे हैं तो फिर नींबू का रस ना डालें। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, कितना अच्छा हमारा रोज सिरप बन करके तैयार हुआ है। तो इसे मैं इस बाउल में पोर करके दिखा रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ही अच्छा हमारा रोज सिरप बन करके तैयार हुआ है। और जब आप इसे पियेंगे ना, ये आपको बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है। शरबत को आप दूध के साथ भी बना सकते हैं, पानी के साथ भी बना सकते हैं। पानी के साथ बनाने के लिए 1 ग्लास में 2 चम्मच रोज सिरप डालिए और उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से घोल लेंगे। देखिए हमारा शरबत तैयार है। आप इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर पर स्टोर करके रखें। रूम टेम्परेचर पर इसे आप 1 से 1.5 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और फ्रिज में कम से कम 2.5 महीने तक। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।